अब आपको दिखाते हैं कि अमित शाह ने आज क्या अहम बातें कही हैं। घाटशिला मैदान में जब गरज रहे थे अमित शाह, तो कई बातें कही उन्होंने, सीधे सीधे सरकार पर निशाना साधा। देश के गृहमंत्री हैं, लेकिन राज्य की सुरक्षा की चौकसी को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय चिंता व्यक्त कर रहा है। ये झारखंड के लोगों के लिए कितना चिंतित करने वाली बात है, इस पर विचार करना होगा। रुककर सुनाते हैं क्या कुछ कहा अमित शाह ने। हेमंत सोरेन जी मुगालते में है कि भारतीय जनता पार्टी उनको हटाने के लिए चुनाव लड़ रही है। अरे हेमंत बाबू, भारतीय जनता पार्टी आपको हटाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में परिवर्तन लाने के लिए चुनाव लड़ रही है। परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बदल दिया जाए, पार्टी बदल दी जाए। परिवर्तन से मतलब है कि यहाँ पर गरीबों का पैसा खाने वाली हेमंत सोरेन की सरकार को बदल दिया जाए। चंपारण की लड़ाई क्या है? गरीब आदिवासी का पैसा, गरीब पिछड़ा का पैसा कहां पर खर्च होना चाहिए? तो गरीबों के कल्याण में खर्च होना चाहिए। वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, इसका चंपाई सोरेन जी ने विरोध किया। संताल परगना कोल्हान और पूरे झारखंड के अंदर आदिवासियों की आबादी घट रही है। कारण क्या है? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए अंदर आ रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए, मुझे बताओ भाइयों बहनों, बांग्लादेशी घुसपैठिए को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? ये हेमंत सोरेन सरकार रोक सकती है क्या? उन्होंने तो हाईकोर्ट में हलफनामा डाल करके दिया कि हम रोकना नहीं चाहते हैं। इसका विरोध अपने चंपई सोरेन ने किया और पार्टी छोड़ा। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, आप कमल फूल की सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी। आदिवासी की बेटी, आदिवासी की रोटी और आदिवासी की भूमि, तीनों को बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी। आपके सामने दो विकल्प, एक और गवर्नमेंट गठबंधन है, कांग्रेस लालू और जेएमयू का, जिनका काम है घुसपैठियों को बचाना, और एक और भारतीय जनता पार्टी है जिनका काम है आदिवासी और पिछड़ों की रोटी बेटी और भूमि को बचाना। और लिख किया वो काम, कोई जेल में गए हैं क्या? अरे जोर से बोलो, गए हैं क्या? आप चिंता मत करो, भाजपा सरकार बना दो, पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का हम काम। हम डाक दल गठित कर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को हम जेल के अंदर डालेंगे। ये शाह क्या गरजना था, ये जो शाह अमित शाह बोल रहे थे आपने वो सुना। आपको एक और चीज सुनाता हूं, थोड़ी हैरत होगी सुनकर आपको। झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं, झामुमो के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं चंपाई सोरेन। हालांकि अब विचारधारा बदल गई है, इसलिए आरोप लगता है कि चंपाई कुछ भी बोलते हैं, लेकिन चंपाई सोरेन कह रहे हैं कि INDIA गठबंधन भ्रष्टाचार फैला रहा है। आखिर चंपाई सोरेन ये कैसे कह सकते हैं? चंपाई सोरेन उसी दल में रहे हैं, उस दल से मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, उसके बाद उनको शिकायत थी, वो हट गए, लेकिन क्या यही वो शिकायत थी, यही भ्रष्टाचार का दबाव था कि चंपाई सोरेन बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपने रास्ते अलग कर लिए? सोचना होगा इस पर भी। देखिए आपको सुनाते हैं चंपाई सोरेन और उनके बेटे बाबूलाल सोरेन ने क्या कुछ कहा है। जेएमएम कांग्रेस आरजेडी
ये 4.5 साल में झारखंड को खाली लूट और चारागाह समझ लिया था। भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार उन लोग का बीच में है जो झारखंड के जनता जो उम्मीद किया था, यहाँ का बेरोजगार जो रोजगार की बात, ये सरकार के पास कोई योजना नहीं है। क्या है भारतीय जनता पार्टी क्या है भाई, 2000 में सरकार आया केंद्र में, तब ये सोचा कि मैं झारखंड को अलग करके आदिवासी मूलवासी को पहचान दूंगा और विकास करूंगा। तो दोस्तों मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के शुभ संस्थाक से कहना चाहता हूं कि आप लोग मिल करके चुनाव में जाए, हर गांव गांव में जाए कि बोले कि भारतीय जनता पार्टी जो दे अलग कर सकता है, पहचान दे सकता है, तो ही झारखंड राज्य में आप लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार लाए, वही का नेतृत्व से झारखंड राज का विकास होगा, महिला का रोजगार दे के सम्मान होगा, युवा लोगों को रोजगार दे के सम्मान होगा। ये चंपाई सोरेन और बाबूलाल सोरेन, उनके बेटे को आप सुन रहे थे। अमित शाह आते हैं, घोषणा पत्र जारी करते हैं, भाजपा का घोषणा पत्र, 150 बिंदुओं का घोषणा पत्र। रुक करते सहयोगियों का। घाटशिला से मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बरकट्टा से श्रीकांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले मनोज के पास चलते हैं। मनोज, आज अमित शाह का झारखंड आना, झारखंड का दौरा, घाटशिला से भाजपा का घोषणा पत्र लॉन्च करते हैं, बाबूलाल सोरेन उम्मीदवार हैं और मुकाबला रामदास सोरेन के साथ है, जिनको माना जाता है कि चंपाई सोरेन ने राजनीति की जमीन पर उतारा है, राजनीति का धरातल दिखाया है, आज वो चंपाई के बेटे के मुकाबले में खड़े हैं। हालांकि पिछले 10 सालों से विधायक हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी का दौर भी काफी तेजी से देखने को मिल रहा है घाटशिला में, लेकिन ऐसे में गृहमंत्री का घाटशिला जाना, विशेष तौर पर घाटशिला बरकट्टा सिमरिया जो गए हैं, ये दौरा क्या कुछ खास नजर आ रहा है इन दौरों में आपको? निश्चित तौर पे लोगों को इंतजार भी था कि जब गृह मंत्री आते हैं तो कुछ न कुछ सौगात देते हैं, और इसमें चुनाव का वक्त है और जो कहते हैं वो करते हैं। लोगों को ये काफी दिनों से इंतजार भी था, और साथ साथ जो घाटशिला के सरजमी से इन्होंने जो कहा, जो 3-4 बातें जो लोगों के अंदर दिग्भ्रमित था, एक स्थिति को लेकर था, चल रहा था कि आखिर ये लागू होगा तो आदिवासी भी उसमें आएंगे, साफ इन्होंने कह दिया कि आदिवासी उससे बाहर रहेगा। युवाओं के रोजगार को लेकर लोग यहाँ लगातार हर पार्टी के लोग जो है ये कहते हैं कि मेरी सरकार रहती हमने रोजगार दिया है, लेकिन रोजगार लोगों को मिलता नहीं, जिसके कारण नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम 5 साल में 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, 2 लाख कुछ जो है वो सरकारी नौकरी मिलेगी, पारदर्शिता रहेगी। तो तमाम वैसी बातें, जो एग्जाम होगा वो पारदर्शिता रहेगी, ऐसा नहीं कि एग्जाम हुआ पेपर लीक हो गई। और साथ साथ जो गोगो दीदी योजना है, हालांकि आप सही कह रहे थे, वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक चालू किया और उसके बाद गोगो दीदी योजना का घोषणा इन लोगों ने भी कर दिया, लेकिन उससे बड़ी बात एक है कि माटी बेटी रोटी की बात लेकर जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी चली गई, और गृह मंत्री पहुंचते हैं और गृह मंत्री झारखंड की सरजमी से जो घोषणा करते हैं और घोषणा पत्र जो जारी करते हैं, उसके बाद लोगों को भरोसा जरूर है। हालांकि हम गृह मंत्री का सुन रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि हेमंत सोरेन कहते हैं कि मेरा पैसा बाकी है, उन्होंने 2004 से लेकर 2014 तक का, 2014 से 2024 तक का हिसाब भी उन्होंने दे दिया और कह दिया कि कितना पैसा यूपीए की सरकार ने दी थी झारखंड को, कितना पैसा एनडीए ने दिया है
झारखंड को, तो तमाम ऐसी बातें थी जो जनता तक पहुंचना चाहिए था, रोजगार का मुख्य मुद्दा था और इस इलाके में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार वन डे से ही इस मुद्दे को लेकर लगातार मुखर रही है और बोलती रही है कि भाई जो घुसपैठ है घुसपैठ पर अंकुश लगाएंगे। और आज इन्होंने यहां से ऐलान भी कर दिया और चंपाई सोरेन लगातार भी करते और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये कहते हैं कि घुसपैठ पर अंकुश लगेगी, मेरी सरकार बनेगी। तो जो युवाओं को चाहिए था कि रोजगार मिलना चाहिए था वो बात कम से कम युवाओं तक पहुंचा और युवा संतुष्ट जरूर है। वही ओबीसी आरक्षण की बात थी, इन्होंने साफ कर दिया 27% आरक्षण ओबीसी को मिलेगा, जिसका डिमांड ओबीसी का था झारखंड में और एक बड़ा वर्ग है ओबीसी जिसको लेकर एक बड़ा फैक्टर होता है चुनाव में, इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि 27% आरक्षण मिलेगी। तो जो उम्मीद था लोगों को वो उस उम्मीद पर एक बड़ी घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। और निश्चित तौर पर जब बीजेपी ने जब घोषणा की, गृहमंत्री ने कही अगर सरकार बनती है तो निश्चित वो लागू जरूर होगा। और साथ साथ जो महिलाओं को पैसा मिलना है 11 तारीख इन लोगों ने डेट पहले ही मुकर्रर कर दी है, तो वो मुद्दे पर भी ये काम करेंगे। तमाम वैसे मुद्दे जो झारखंड की सरजमी से था, आदिवासियों का जो मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर लोग भटक रहे थे, सब कुछ इन्होंने साफ कर दिया। जी सब कुछ उन्होंने साफ कर दिया, आदिवासियों लेकर के जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर सवाल खड़े हो रहे थे राज्य में, उन सब पर आज जवाब दिया अमित शाह ने। बने रहिएगा मनोज, एक बार श्रीकांत का रुख करते हैं। श्रीकांत, बरकट्ठा में भी शाह गरजे हैं आज, कमोबेश बातें सारी वही कही हैं तीनों सभाओं में जो एक जगह कही उन्होंने, चाहे घुसपैठ को लेकर हमला हो, चाहे हमन सरकार पर हमला हो, कमोबेश सारी बातें लगभग बराबर थी, घोषणा पत्र को लॉन्च भी किया है। बरकट्ठा का रण बड़ा दिलचस्प है श्रीकांत, आंकड़े बता रहे हैं 2014 में जहां जानकी यादव ने जेवीएम से पटकनी दे दी थी, अमित यादव भाजपा से खड़े हुए थे, वहीं 2019 में अमित यादव बीजेपी के टिकट, निर्दलीय टिकट चुनाव लड़े थे और जानकी यादव को भाजपा ने टिकट दिया था, जानकी यादव को अमित यादव ने पराजित कर दिया था। 2024 का रण किस तरफ जा रहा श्रीकांत, कौन कौन प्रत्याशी है, क्या होगा मुकाबला, कैसा रोचक है? देखिए अभिषेक, आज अमित शाह का दौरा बरकट्टा में भी था, जैसे आपने बोला कि अन्य जगह पर वो गरजे थे, लेकिन उन्होंने यहां से जो बातें कही हैं उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो कोडरमा में और भरकट्टा में जो आसपास के सटे क्षेत्र हैं उनमें जो पत्थर उद्योग मर चुका है उसको भाजपा जीवित करेगी, सरकार में आती है तो एसआईटी गठित करके पेपर लीक के मामले का उजागर करेगी और जो दोषी है उनके सलाखों के पीछे रहेंगे, जो माताओं बहनों के साथ जिन लोगों ने अत्याचार किया है उनको उल्टा लटकाकर सीधा करेगी भाजपा सरकार, इस तरीके की कई बातें हैं। लेकिन बात करते हैं बरकट्टा विधानसभा की, तो जिस तरीके से अमित यादव प्रत्याशी हैं वो आज यहाँ मौजूद थे, बगोदर से नागेंद्र महतो प्रत्याशी हैं वो मौजूद थे, मनोज यादव मौजूद थे, मीरा यादव कोडरमा से प्रत्याशी, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो आज की जो बड़ी एक जनसभा है जिसमें अमित शाह गरजे हैं, उन सभाओं में जोश खरोच जिस तरीके से देखा गया है, जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में आज एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नए संदेश के साथ अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर राज्य को विकास की पटरी पर वापस लौटाना है और अगर राज्य में झूठे वादे नहीं, हम झूठे वादे नहीं करेंगे, हमने जो वादा किया है वो वादा साफ और स्पष्ट है, उन वायदों को लेकर अगर आगे जाना है तो 13 तारीख को बटन दबाकर कमल पर बटन दबाइए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वापस सूबे में लाइए, तब जाकर हम ये कार्य करेंगे। और इसी के साथ साथ जो कार्यकर्ता है, जो प्रत्याशी हैं, उनमें भी एक अलग जोश और माहौल देखने को मिला है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से आज भीड़ उमड़ी थी बरकट्टा की जनसभा में, एक बड़ा जनसैलाब उमड़ा था, जितने लोग पंडाल के भीतर मौजूद थे माफी चाहूंगा उतने लोग पंडाल के बाहर मौजूद थे, तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो सारी भीड़ सिर्फ अमित शाह को सुनने आई थी। और अमित शाह जब गरजते हैं तो विपक्षियों को वो अपने सिर्फ बोली से ही ढेर कर देते हैं, और उन्होंने आज स्पष्ट किया, चाहे घुसपैठ का मामला हो, चाहे युवाओं के रोजगार का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे राज्य में, उन्होंने साफ कहा कि झारखंड जो है देश का सबसे अमीर राज्य है, पूरे देश को इस राज्य से फायदा होता है, लेकिन यहाँ के लोग गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, बंबई, सूरत, कहां न कहां अपने परिवार से दूर, अपने बेटी से दूर, अपने पत्नी से दूर, अपने पिता से दूर रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर आती है तो उनको उनके घर में ही रोजगार मिलेगा,
और जो दर्द होता है परिवार से बिछड़ने का, पलायन का दर्द, उस दंश को झेलना नहीं पड़ेगा। उन्होंने साफ तौर पर यह भी इशारा किया है कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुए हैं झारखंड में, ये भ्रष्टाचार किसके इशारे पर हुए हैं और आखिर इन सब के पीछे कौन है, ये भी जनता को समझने की जरूरत है। और अब झारखंड की जनता बखूबी इन सारी चीजों को समझ चुकी है और अब वक्त हो चला है बदलाव का और झारखंड की जनता परिवर्तन के मूड में है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है घुसपैठ के मुद्दे पर कि हमारी सरकार आती है तो कोई समझौता नहीं होगा, हम चुन चुन कर घुसपैठियों को सीधे बाहर का रास्ता दिखाएंगे और इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जो मैनिफेस्टो यानी कि जो संकल्प पत्र आज जारी किया गया है, उस संकल्प पत्र के साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में जो वृद्ध हो चुके हैं लोग, जिनकी उम्र 70 साल से पार है, उनके लिए भी 5 लाख का मुफ्त इलाज का वादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो 60-70 साल से नीचे हैं, उनके लिए बढ़ाकर 10 लाख का इलाज सरकार के द्वारा वो मुफ्त वादा किया जा रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग वायदे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन वायदों पर जनता कितना विश्वास करती है। लेकिन ये भीड़ जिस ओर इशारा कर रही है, हालांकि जनसभा में आज बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और लोगों ने जिस तरीके से अमित शाह को सुना और उनके भाषण को लोग जिस तरीके से रिएक्शन पब्लिक ने दिया है, उस रिएक्शन का असर अगर भाजपा के अनुकूल रहता है तो इन चारों सीटों पर अगर आप देखेंगे तो संभवतः यह संभावना जताई जा सकती है कि भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। बहरहाल 23 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसे जनादेश दिया है और जनता ने किसके वायदों पर मोहर लगाई है। लेकिन आज अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि वो पूरे राज्य के मुद्दे को तो लेके आए ही थे, लेकिन वो जहां जा रहे थे वहां के स्थानीय मुद्दों को भी टच कर रहे थे। जैसे कोडरमा में पत्थर उद्योग जो है एक बड़ा व्यापार है जिससे लोगों का भरण पोषण होता है, बड़ी संख्या में मजदूर हो, ट्रक वाले हो, माइंस वाले हो, सारे लोग इससे प्रत्याशित और प्रत्याशित रूप से जुड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि सरकार ने जिस तरीके से भ्रष्टाचार के कारण नीति लगा के या फिर लॉ एंड ऑर्डर के कारण या फिर अपने कागजी प्रक्रियाओं के कारण पत्थर उद्योग को आज मरणासन पर लाकर खड़ा कर दिया है, अगर भारतीय जनता पार्टी वापस आती है तो कोडरमा पर ही जैसे क्षेत्र में पत्थर उद्योग, 500 करोड़ का पत्थर उद्योग होगा और इस इलाके से पलायन को वो रोक देंगे। और प्रदेश का जो दर्द है उस दर्द को बखूबी समझते हैं, भारतीय जनता पार्टी बखूबी समझती है और यही कारण है कि उन्हें विश्वास है कि इस बार राज्य की जनता बदलाव के मूड में है और भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे प्रखंड स्तर से हो, प्रदेश स्तर पर हो या फिर पंचायत स्तर पर हो, लेकिन कार्रवाई शून्य है। कार्रवाई के मामले में सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी है, जिसका नतीजा है कि आए दिन जो मोदी पैसा भेजते हैं वो गबन किया जाता है। बिल्कुल श्रीकांत, निश्चित तौर पर ये आपने सटीक पकड़ा है कि एक बरकट्टा विधानसभा क्षेत्र से जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने कोडरमा, हजारीबाग, बरही जैसे इलाकों को सीधे सीधे टारगेट कर लिया। उन इलाकों की सबसे बड़ी समस्या पलायन और भ्रष्टाचार है और सीधा वार उसी पर था। सीधा अगर आप देखें तो कई विधानसभा क्षेत्रों को एक साथ साधने का काम किया अमित शाह ने, प्रयास किया है अपना, जनता तक कितनी आवाज पहुंचा पाते हैं वहां के प्रत्याशी। हालांकि अमित यादव पर काफी विश्वास जता रही है बीजेपी, निर्दलीय उम्मीदवार थे, इस बार बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, देखना दिलचस्प होगा बरकट्टा का रण किस तरफ मुड़ता है, क्या मोड़ लेता है। बहुत धन्यवाद श्रीकांत आपका, बहुत धन्यवाद मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आप दोनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो